हेलो दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जिसका कि हमने पहले ही इसका पार्ट वन अपने चैनल में डाल दिया है। आई होप कि आप लोगों ने इसका पार्ट वन देखा होगा। अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, और मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस मूवी को यहाँ से कुछ समय पीछे की ओर ले चलते हैं, जिसमें हमने देखा था कि प्रिंसिपल मिस्टर ली को डांट रहा था और उसे बोल रहा था कि आप ये गलत कर रहे हो। और आप लोगों ने ये बात ध्यान दिया होगा कि जिंजू की मौत हो जाती है, लेकिन इसकी मौत की वजह हम कुछ ही देर में जानेंगे। खैर, मिस्टर ली यहाँ पर अब मामले की नाजुकता को एक्सप्लेन करके और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करता है ताकि होने वाले हादसा को रोका जा सके। मगर तभी वहाँ पर सोंगजी नाम का डिटेक्टिव आ जाता है, जिसे मिसेस पार्क ने वहाँ बुलाया था, और ली भी उनको गिरफ्तार करके उनको पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर हम स्कूल के उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसको ओंजो ने काट लिया था, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से वो अब जॉम्बी बन चुकी है, और अब वो स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को काट लेती है, और फिर इसी तरह से एक से दो, दो से चार और बहुत तेजी से लगभग स्कूल के आधे से ज़्यादा बच्चे जॉम्बी बन जाते हैं। अब इनके बाद में हमें एक लंबे टाइम तक सिर्फ बच्चों को इधर उधर अपनी जान बचाकर भागते हुए देख पाते हैं, और जो मूवी के मेन कैरेक्टर हैं यानी कि जॉनसन, ओंजो, सुयोक और नामरा, उनके साथ चार पांच और बच्चे एक रूम में घुसकर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। अब बिल्डिंग के अंदर देखा जाए तो बस यही लोग बचे हुए हैं, और इनके अलावा दो चार और लोग कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, मगर उनका कोई खास रोल यहाँ पर नहीं है। फिर हम बिल्डिंग के ऊपर दो बच्चे को देखते हैं, एक का नाम योन्जी होता है और दूसरे का नाम जुसु होता है। इन दोनों को बुली गैंग ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है और उन्होंने यूनजी की नेकेड वीडियो भी बना ली है। बुली गैंग ने इनको एक दिन का टाइम देकर ये बोला है कि अगर कल तक उन्होंने डिमांड किए हुए पैसे दे दे तो वो वीडियो को डिलीट कर देंगे, वरना वो उस वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर देंगे। और वीडियो ऑनलाइन होने के डर से यूनजी बिल्डिंग के ऊपर सुसाइड करने की सोच रही थी, और जोसो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, और इसी दौरान नोटिस करता है कि स्कूल के बच्चे जॉम्बी बनते जा रहे हैं, और फिर इसे देखकर यूनजी सुसाइड करने से रुक जाती है। अब आगे हम ये देखते हैं कि डिटेक्टिव की पूछताछ में मिस्टर ली यहाँ पर काफी कुछ रिवील करता है, और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं असली बात। वो ये बताता है कि उसका बेटा बहुत ही शांत स्वभाव का हुआ करता था और वो अपने ऊपर किए अत्याचार को सह लेता था, इसीलिए उसे स्कूल में बहुत बुली किया करते थे, और कंप्लेन करने पर भी स्कूल द्वारा कोई भी कार्रवाई या कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इधर हम देखते हैं कि ली भी इन चूहों पर एक्सपेरिमेंट करता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि भले ही बिल्ली चूहे को मारती है और उसे जीत जाती है, मगर कभी न कभी एक वक्त ऐसा आता है जब चूहा भले ही डरा हुआ होता है मगर बिल्ली से लड़ जाता है, और इस दौरान चूहे के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे कि वो लड़ाकू बन जाता है। अब ली भी उन इन्हीं लड़ाकू चूहों में से उन हार्मोनल चेंजेस को फिल्टर करके निकाल लेता है और अपने बेटे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है ताकि वो अपनी लड़ाई खुद कर सके। मगर इसका अंजाम बहुत बुरा होता है क्योंकि ये एक खतरनाक वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बेटे के शरीर में एक ऐसा वायरस पैदा होता है जो कि हमेशा अपना रूप बदलते रहता है। इसका नाम यहाँ पर जॉनरस वायरस रखा गया है, और इसी वजह से वो अपने बेटे को ज़ॉम्बी बनने के बाद में मिस्टर ली इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाया था। यानी कि स्टार्टिंग में जब यहाँ पर जिंजू को काटने की इच्छा हो रही थी और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ रहा था तो वो इसी वायरस का नतीजा था, और यही रीजन था कि मिस्टर ली उसको बोरी में बंद करके उसको साथ में ले गया था। अब ये बातचीत चल ही रही थी कि सभी पुलिस स्टेशन में जॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है और सभी को वहां से भागना पड़ता है। यहाँ पर मिस्टर ली को भी एक जॉम्बी काट लेता है, और अपने आखिरी पलों में मिस्टर ली ऑन डिटेक्टिव को बताता है कि स्कूल में उसका लैपटॉप है जिसमें इस वायरस से बचने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको ले लो। और इसके बाद में डिटेक्टिव वहां से भाग जाता है और पुलिस स्टेशन में कोई भी जिंदा इंसान नहीं बचता। और इधर हम स्कूल में ये देखते हैं कि जियोनसन और सुयोग फोन का जुगाड़ करने के लिए रिस्क लेकर स्टाफ रूम में जाते हैं, और वहां पर उन्हें यूजी मिलती है जो कि सारे स्टूडेंट के जमा हुए फोन्स को तोड़ रही होती है, इस उम्मीद में कि अगर उसमें वो फोन होगा जिसमें कि उसका नेकेड वीडियो है तो वीडियो अपलोड नहीं होगी। मगर यहाँ पर जॉनसन एक फोन लेने के लिए छुपके से जाता है और देखता है कि असल में यूनजी को जॉम्बी ने काट रखा है, मगर वो अभी भी नॉर्मल ही लग रही थी, लेकिन बस वो थोड़ा सा गुस्से में है इसीलिए वो जॉनसन पर भी अटैक कर देती है,
और यहाँ पर किसी तरह जॉनसन एक फोन को लेकर वहां से भाग जाता है। मगर इस अफरा तफरी में जॉनसन सुयोग दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं और जॉनसन को यहाँ पर ज्यादा जॉम्बी मिलते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर प्रिंसिपल रूम के अंदर चला जाता है। अब प्रिंसिपल रूम में जॉनसन ये देखता है कि कोई नाम ने प्रिंसिपल को बंदी बना रखा है और जॉनसन उसे प्रिंसिपल को छोड़ने के लिए कहता है, मगर कोई नाम मना कर देता है और जॉनसन को यहाँ पर धक्का देने लगता है। तभी यहाँ पर कोई नाम प्रिंसिपल के साथ फोटो खींच लेता है और ये कहता है कि वो पुलिस में भेज देगा, मगर तब भी यहाँ पर कोई नाम नहीं मानता। पर तभी गुस्से में आकर जॉनसन कोई नाम से कहता है कि दादागिरी करना बंद कर दो, क्योंकि वो हमेशा बीच का ही रहेगा और बुली गैंग के अंदर ही ऑर्डर को फॉलो करता रहता है और उसकी कोई भी हैसियत नहीं है। अब इस बात पर कोई नाम को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसिपल को चाकू से मार देता है। फिर वो जॉनसन के पीछे बढ़ जाता है उसे मारने के लिए। अब दोनों लोग जॉम्बी से भरी हुई लाइब्रेरी के अंदर लड़ने लगता है और जैसे ही जॉनसन को मौका मिलता है वो कोई नाम की आंख पर वार करता है, जिससे उसकी आंख फूट जाती है और तब तक जॉम्बी उसे घेर कर काटने लगता है। फिर जॉनसन वहां से भागकर एक सेफ रूम के अंदर छाकर छुप जाता है और दूसरी तरफ अब सुयोग वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है और बताता है कि जॉनसन को मजबूरी में दूसरी तरफ भागना पड़ा था। अब सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो जॉनसन को बचाते हुए छत पर जाएंगे ताकि रेस्क्यू टीम वहां पर आए और उनको वहां से ले जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई नाम को थोड़ी देर बाद होश आ जाता है और वो ये देखता है कि कोई भी जॉम्बी उस पर अटैक नहीं कर रहा है और साथ में उसके अंदर बहुत ही पावर आ चुकी है। अब वो उठता है और फ्रेश होता है, फिर जॉनसन से बदला लेने के लिए उसे ढूंढने लगता है। दरअसल हम ये देख पा रहे हैं कि अब जॉम्बी वायरस यानी कि जोनरस वायरस जो है वो कुछ ही गिने चुने लोगों पर उस तरह असर नहीं कर रहा है जिस तरह से बाकी 99% लोगों पर कर रहा है। और ये जो बचे हुए 0.11% है ये हाफ जॉम्बी और हाफ ह्यूमंस है, इसको हम हैम्बिस कह सकते हैं, यानी कि ये वायरस ने अभी तक इनको इनके ब्रेन को इफेक्ट नहीं किया है और ये पूरी तरह से ये होश हवास में है। और ये बात यहाँ पर जिंजू के फादर यानी कि मिस्टर ली ने बताई भी थी कि ये वायरस अपना रूप बदलता रहता है, हो सकता है कि इसके अंदर म्यूटेशंस हुए होंगे। फिर हम देखते हैं कि सुयोग और उसके साथी स्कूल के दूसरे हिस्से में स्पीकर पर एक गाना बजा देते हैं ताकि जॉम्बी वहां से भाग गए। फिर वहां से निकलकर जॉनसन को लेते हुए स्कूल के छत पर जाने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान सुयोग का सामना कोई नाम से हो जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो जॉनसन को मारना चाहता है तो वहां पर एक भयंकर लड़ाई होती है और इस लड़ाई में कोई नाम अपना जॉम्बी पावर से सुयोग को बहुत मारता है और जब नामरा सुयोग को बचाने आती है तो कोई नाम उसे काट लेता है, जिसके बाद में गुस्से में सुयोग कोई नाम को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब इतनी ऊपर से फेंक देने के बाद अब ऐसा लगता है कि वो अब नहीं बचेगा, पर ऐसा नहीं होता, कोई नाम की जॉम्बी पावर उसे मरने नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि जॉनसन को ये बात पता चलती है कि नामरा को कोई नाम ने काट लिया है तो वो नामरा को मारने के लिए उठ जाता है, लेकिन सोयुग उसे रोक लेता है। जॉनसन कहता है कि मेरे आंखों के सामने कोई नाम को जॉम्बी ने काटा था। तब सुयोग ये कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि लड़ाई होने से पहले हम दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, वह मेरे को जानता था। अब बातें करने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि इन्फेक्शन के बाद भी ये लोग कुछ ऐसे होंगे जो कि हाफ जॉम्बी बनेंगे और उसमें से नामरा भी एक है, जिनको यहाँ पर हैम्बिस बुलाएंगे। और कोई नाम इतने ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी बच गए, यानी कि इन जॉम्बी के पास अभी भी रीजेनरेटिंग पावर है। आगे हम देखते हैं कि मिलिट्री को ली के लैपटॉप के बारे में पता चल चुका होता है और वो सब एक टीम भेजते हैं लैपटॉप को लाने के लिए। मिलिट्री लैपटॉप लेने आती है और उन्हें स्कूल के छत पर यही सब बच्चे मिलते हैं जिन्हें सोल्जर्स कहते हैं कि थोड़ा वेट करो, नीचे से कुछ लेकर आ रहे हैं और फिर तुम सबको रेस्क्यू करा जाएगा। और इसी दौरान मिलिट्री कमांडर को सिटी के क्वारंटाइन जोन से हाफ जॉम्बी इन्फेक्टेड एक शख्स मिलता है और वो स्कूल के किसी भी सर्वाइवल को लाने के लिए मना कर देता है। और तब सोल्जर वहां से लैपटॉप लेकर वापस बेस पर आ जाता है। उनके लैपटॉप से कमांडर को पता चलता है कि इस बीमारी से बचने के लिए असल में कोई भी मेडिसिन नहीं है, इनसे तभी बचा जा सकता है जब हम जॉम्बी को जला दें। और दोस्तों यहाँ पर खुलती है जिंजू की मौत की असली बात। अब उसके लैपटॉप में वो वीडियो भी होती है जब ली ने आखिरी में अपने बेटे को और अपने वाइफ को जला दिया था, क्योंकि यहाँ पर उसकी वाइफ भी इन्फेक्टेड हो गई थी। फिर कमांडर कोरियन मेडिकल से सलाह लेता है
तब वो भी ली किताबे को सही ही बताते हैं और कहते हैं कि अगर यूसॉन ने कोई सर्वाइवल बचा लिया है तो उन्हें हमें यहाँ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हाफ जॉम्बी यानी कि हैम्बिस वाले लोग में इन्फेक्शन के लक्षण न दिखने के कारण से उन्हें नॉर्मल लोगों से अलग करना काफी मुश्किल है, जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और यहाँ पर एक बात और पता चलता है कि मिस्टर ली यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुआ करता था, तभी वो यहाँ पर इस तरह के हार्मोनल चेंजेस यानी कि जोनल वायरस को इफेक्ट कर पाया था जॉम्बी से। अब इन्फेक्शन को रोकने के लिए कमांडर को ना चाहते हुए भी यूसॉन पर बॉम्ब करने का कमांड देना पड़ता है, और बॉम्बिंग से कुछ टाइम पहले हेलीकॉप्टर यूसॉन के चारों तरफ घूम घूम कर उन पर बॉम्बिंग का अनाउंसमेंट भी कर देते हैं। और जब ये बात बच्चों को पता चलती है तो वो बिल्डिंग से निकलकर बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ फिर से क्वीनाम आ जाता है और तभी सभी बच्चों और क्वीनाम के बीच तगड़ी फाइट होने लगती है। इसीलिए सभी बच्चे फिर से क्वीनाम को छत से फेंक देते हैं, लेकिन गिरने से पहले क्वीनाम जॉनसन को काटने में कामयाब हो जाता है। और अब इन्फेक्टेड होने के बाद में जॉनसन यहाँ पर ओंजो से अपने प्यार का इजहार करते हुए ओंजो को किस कर लेता है और फिर वहाँ से सबको निकल जाने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि ये वायरस किस करने से नहीं फैलता है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर ओंजो भी इन्फेक्टेड हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो लोग कुछ देर बाद पहाड़ी के तरफ आ जाते हैं और बॉम्बिंग का आवाज सुनाई देता है, जिसमें हम क्वीनाम और जॉनसन को जलते हुए देखते हैं। फिर हमको ये दिखाया जाता है कि वो सब पैदल सफर करते हुए यूसॉन बॉर्डर की ओर बढ़ जाते हैं, मगर बीच रास्ते में ही नामरा टीम को छोड़ देती है, क्योंकि अब जॉम्बी नामरा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो किसी जिंदा इंसान को खाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती थी। इसलिए उन्हें वहां पर गुड बाय कहकर वापस स्कूल की तरफ चली जाती है और बचे हुए बच्चे किसी तरह मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं और वहां पर मिलिट्री उन लोगों को एक महीने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में डाल देती है। जब क्वारंटाइन का टाइम पूरा होने पर ओंजो चुपके से स्कूल के तरफ जाती है और ओंजो सैन की याद में वो एक पेड़ के पास में ढेर सारा खाने का सामान रख देती है। ये असल में एक कोरियन परंपरा है जिसमें कि मरे हुए लोगों के लिए खाना रखते हैं, मगर तभी ओंजो ये नोटिस करती है कि स्कूल के छत पर आग जल रही है और उसे ये लगता है कि हो ना हो ये नामरा ही है। वो ये बात सुयोक को बताती है और सुयोक बाकी सब दोस्तों को। फिर वो सब अगली रात चुपके से वहाँ चेक करने के लिए जाते हैं और वो सब स्कूल के छत पर जाते हैं तो सही में वहाँ पर नामरा मिलती है। नामरा ये कहती है कि मुझे विश्वास था कि तुम सब जरूर आओगे। फिर नामरा बताती है कि यहाँ पर उसके जैसे और भी लोग हैं और वो सब मिलकर किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री ने अभी इस इलाके को बंद रखा है, इसीलिए यहाँ पर आना जाना नहीं है, फिलहाल हम सेफ हैं। तभी नामरा को एक आवाज सुनाई देती है और वो ये कहती है कि मेरे साथी आ गए हैं, मैं उनसे मिलकर थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर नामरा स्कूल की छत से कूदकर उनसे मिलने जाती है और ये सीन देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हाफ जॉम्बी यानी कि हैम्बिस इतने ताकतवर होते हैं कि वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।